तो अभी जो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, एक भाई का यहाँ पर कमेंट है कि यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाइए। तो अभी जो हम एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे जो कि काफ़ी आसान तरीका बताएंगे, और इसमें क्या है ना कि 1 वोल्ट से लेकर आप 30-35 वोल्ट तक यहाँ पर जो है कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अप और डाउन कर सकते हैं। तो इससे जो है कि किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर चला सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक मॉस्फेट का जरूरत पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मॉस्फेट का यूज कर रहे हैं। शायद आपको यहाँ पर नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये P55 मॉस्फेट है। आप चाहें तो यहाँ पर Z44 या और भी कोई मॉस्फेट एन चैनल का यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मॉस्फेट का यूज कर रहे हैं, और उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको हीट सिंक लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मेरे पास हीट सिंक है। आपके पास अगर इससे बड़ा हो तो और भी बेहतर है, तो मेरे पास यही है फिलहाल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इसमें हमको फिट कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पर पहले फिट कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इसको बनाने के लिए काफ़ी आसान तरीका बताएंगे यहाँ पर, जो कि बिल्कुल भी आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। और जो भी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जो भी क्या 3 ही कंपोनेंट यहाँ पर यूज है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 3 ही कंपोनेंट से जो है कि ये सर्किट यहाँ पर तैयार हो जाता है। चलिए इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड है तो आप यहाँ पर लगा ही के इसको टाइट कीजिएगा, ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पर हीटिंग को जो है कि वो रोकता है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ज़्यादा अगर इस पर लोड दीजिएगा तो ज़्यादा ये हीट हो सकता है। तो चलिए इसको हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर एक पोटेंशियो मीटर हम लेंगे। तो ये मीटर मेरे पास जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 100K का है। आप चाहें तो यहाँ पर 10K का भी ले सकते हैं, तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो चलिए हम इसी से इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये रहेगा तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा, अच्छे तरीके से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काम भी करेगा। और उसके बाद जो आपको लेना है यहाँ पर, ये एक रजिस्टर लेना है, जो कि 220 ओम्स का मेरे पास ये रजिस्टर है। तो चलिए इतना ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, तो ये रजिस्टर हमने ले लिया है। इसको आपको डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। ये रजिस्टर आपको जोड़ना है इसके इस पॉइंट के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इसका किनारे वाला पॉइंट है इसमें हमको जोड़ लेना है। चलिए वैसे तो आप वीडियो में देखे हुए कीजिएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसका पिन थोड़ा सा ऊपर के साइड में कर देते हैं, ताकि ये इसके साइड में यहाँ पर अटैच हो जाए। अब यहाँ पर जो हम इसको जोड़ रहे हैं, ये इसका बीच का पॉइंट होगा, यानी कि इसका ड्रेन पॉइंट होगा। मॉस्फेट में वैसे 3 होता है, पहले हमने आपको बताया नहीं, तो चलिए यहाँ पर बताना, यहाँ पर हम जरूरी समझेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने बीच में यहाँ पर जोड़ा है। तो ये इसका बेस होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है। अगर आपका ट्रांजिस्टर होगा तो यहाँ पर ये कलेक्टर हो सकता है, बेस हो सकता है, इमीटर हो सकता है, ठीक है, इस तरीका से हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मेरा मॉस्फेट है, तो यहाँ पर ये मेरा बेस है, और जिसपे हमने यहाँ पर रजिस्टर जोड़ा है वो मेरा ड्रेन है और ये सोर्स है। तो इस तरीका से हमने जोड़ लिया है। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा आपको ले लेना है कुछ इस तरीका से, और इसको आपको यहाँ पर आपको जोड़ देना है। तो ये वायर का टुकड़ा हम यहाँ पर ले लिए हैं इसके गेट वाला पॉइंट पर, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको यहाँ पर छोटा ही लेना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरीका से आपको जोड़ लेना है। ये देख सकते हैं, इसको बीच में हमने इस तरीका से ले लिया है। अब आपको क्या करना है, एक और भी आपको यहाँ पर वायर लेना है, जो कि आपको यहाँ पर जोड़ देना है इसके आउटपुट के लिए। और उसके बाद ये काम किस तरीका से करता है सारा कुछ आप यहाँ पर वीडियो में देखिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम वीडियो देते हैं वो क्लियर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीका से हमने इसको जोड़ लिया है। अब चलिए एक पॉइंट हमको और भी यहाँ पर जोड़ लेना है। तो ये एक ब्लैक कलर का वायर हमने लिया है, तो इस वायर को हमको इस जगह पर यहाँ पर दे देना है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि छोटा सा सर्किट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं अच्छे तरीका से, आपको सारा तरीका से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इस तरीका से ये कंप्लीट हो चुका है सर्किट। अब चलिए इसमें सप्लाई देते हैं, और उसके बाद आउटपुट जो रहेगा उसको भी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि आउटपुट में यह किस तरीका से काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज करेंगे। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर, इसको हम ऑन करते हैं। और फिलहाल अभी जो मल्टीमीटर का हम सेट करके रखा है वो 200 रेंज में है, आप देख सकते हैं 200 रेंज में इसलिए हमने रखा है क्योंकि यहाँ पर जो हम इसको सप्लाई देंगे वो सप्लाई हम यहाँ पर देने वाले हैं 30 से ऊपर, इसमें हम सप्लाई देंगे। बाकी आप चाहें तो इसको 12 वोल्ट पे आप इसको यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको इसको कितना वोल्ट पे यूज करना है। तो चलिए ये मेरा रहा इसका सप्लाई।
तो ये मल्टीमीटर का जो प्रोप है उसमें हम यहाँ पर पहले लगा देंगे। ये मेरा मल्टीमीटर का प्रोप है, तो चलिए इसमें हम पहले लगाते हैं, आपको वोल्टेज हम दिखाते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 वोल्ट जो है कि हम इसको इनपुट करा रहे हैं इस सर्किट में, और बाकी इसका आउटपुट में हम देखेंगे। तो चलिए इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। तो अभी हमको इसमें इनपुट कराना है, ये मेरा इनपुट पॉइंट है। तो इनपुट आपको कहाँ कहाँ कराना है वो चीज़ पहले आप समझ लीजिए। ये जो ब्लैक वाला वायर है इसका, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों में ये काम करेगा। और इसका जो ड्रेन वाला पॉइंट है यानी कि इसका जो बीच वाला पॉइंट है जो आपको ये हीट सिंक में अटैच है, ये पूरा हीट सिंक आपका पॉजिटिव इनपुट हो जाएगा और ये इसका पॉजिटिव आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये इसका रहा पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव इनपुट हो गया, और ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये मेरा इनपुट वायर ये भी है। तो इसमें हम यहाँ पर एक इनपुट यहाँ पे हम करा देते हैं, चलिए यहाँ पे इनपुट हो गया है। अब इसका वोल्टेज आपको दिखाना यहाँ पे जरूरी है कि ये कितना वोल्टेज किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये मेरा मल्टीमीटर है और जो मल्टीमीटर का ये प्रोप यहाँ पर है, तो इसका आउटपुट वाला वायर हम एक ले लेते हैं और इसका पॉजिटिव हम यहाँ पर लगा देते हैं, और इसका नेगेटिव वही रहेगा जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इनपुट और आउटपुट दोनों में ये काम कर रहा है। तो चलिए हम इसी में इसको लगा देते हैं, ठीक है। तभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है जो कि हमने यहाँ पर इसको इनपुट कराया है 31 वोल्ट। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको सबसे पहले तो इसको हम इस तरीका से डाउन कर लेते हैं, तो इसको हम डाउन कर लेते हैं पहले, ठीक है। अभी देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पर 0.1.6 कुछ इस तरीका से हो गया है वोल्टेज। अब चलिए इसको हम बढ़ाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि 1 वोल्ट से यहाँ पर जो है कि इससे आप काम में ले सकते हैं। चलिए इसको हम बढ़ाते हैं अब, ठीक है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं किसका वोल्टेज जो है कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है। आप यहाँ पर नोब लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास नोब है नहीं तो बैलेंस नहीं मिल रहा हमको बढ़ाने के लिए। तो नोब अगर लग जाता है इसमें तो काफी बेहतर तरीका से यहाँ पर आपको बैलेंस मिलेगा इसको बढ़ाने के लिए। मेरे पास तो है नहीं फिलहाल और लगाया भी नहीं हमने। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बोला इनपुट वोल्टेज हमने 31 वोल्ट दिया था, लेकिन यहाँ पर 30.9 पर यहाँ पर आके रुक चुका है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बोला 31 वोल्ट यहाँ पर इनपुट कराया है, लेकिन ये पूरा पूरी 31 वोल्ट ये आउटपुट नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पर जो है कि 30 31, देखिए अभी 31 हो चुका है यहाँ पर, यानी कि कभी 31 यानी कि 30 पे इस तरीके से डाउन हो रहा है, जो भी आपके सामने है ना, कोई भी आगे पीछे हम यहाँ पर वीडियो नहीं दे रहे हैं। अब चलिए इसको डाउन करते हैं, और उसके बाद रहेगी पारी कि इस पर अब लोड देना है। तो ठीक है, तो हमको यहाँ पर लोड देना है, तो लोड देने के लिए हम जो यहाँ पर लोड देंगे इसको पहले हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए ये मल्टीमीटर का मेरा काम हो गया, वोल्टेज आपको हमने दिखा दिया है, और अब रह गया इसको लोड देने के लिए। तो लोड तो यहाँ पर हम इसको 31 यहाँ पर जो है कि 21 वाट ही यहाँ पर लोड देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, शायद आपको दिखा नहीं पा रहे हम, यहाँ पर आप देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, एक कॉइल इसमें 5 वाट है और एक 21 वाट है। इससे पहले भी हमने इसको आपको दिखाया है, तो 21 वाट का साथ मेरा ये जो वायर है दोनों ये जुड़ा हुआ है। तो 21 वाट चलिए इस पर हम लोड देते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ इसका ये जो नेगेटिव है तो वो डायरेक्ट हम नेगेटिव यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि नेगेटिव जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया नेगेटिव इसका इनपुट और आउटपुट दोनों यही है। चलिए वैसे तो इस लाइट में अगर देखा जाए ना तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आदत सा पड़ चुका है। चलिए ये इसका आउटपुट पॉइंट है, तो आउटपुट में हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। चलिए आउटपुट में हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, तो अभी ये लाइट हम यहाँ पर रख देते हैं और आप देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीका से हम रख देते हैं, क्योंकि इसका कॉइल आपको दिखना चाहिए। चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करते हैं इसको बढ़ाने के लिए। देखिए धीरे धीरे जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर हमको जो है कि यहाँ पर बैलेंस नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट जो है कि धीरे धीरे जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, और अभी चलिए इसको हम फुल करते हैं तो ये पूरा व्हाइट हो गया है आप देख सकते हैं, और ये काफी हीट भी हो रहा है दोस्तों। ये देखिए इसमें पूरा का पूरा यहाँ पर 30 वोल्ट हम इसमें डाल चुके हैं, ये काफी अब गर्म हो चुका है, हाथ मेरा जलने लगा है क्योंकि ये काफी हीट होता है आप लोग जानते हैं।
चलिए इसको डाउन करते हैं। तो इसको जो है कि हम इसको डाउन कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। अब देख सकते हैं ये पूरा एक वोल्ट पे आने के बाद ये जो बंद हो चुका है, यानी कि एक वोल्ट पे ये पूरा बंद हो चुका है, ये पूरा गर्म हो गया है। तो ये इस तरीका से काम कर रहा है ये सर्किट, बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से कर रहा है। आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं अच्छे तरीका से। और अगर आपको लगता है कि इसको और थोड़ा सा एम्पियर में हमको बढ़ाना चाहिए तो इसको डबल आपको कर देना है हीट सिंक बड़ा लगा करके। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीका का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।